भाई आज अपन जिम जा रहे हैं। वैसे जिम तो मैं रोज ही जाता हूँ, पर आज थोड़ा स्पेशल जिम है। स्पेशल क्यों है आपको आगे पता चल जाएगा। पीछे भी मेरे एक बंदा बैठा हुआ है और तीन बंदे जिम में आ रहे हैं, और जो पीछे वाला बंदा बैठा है वो बिना हेलमेट के बैठा हुआ है। अब इसको मैंने काफ़ी समझाया पर इसके हो जाती है बालों में खुजली, ऐसा इसका कहना था। मैंने कहा भैया आप क्या बोलें, जब नहीं मान रहे तो ठीक है। तो और भाई बाकी बनारस के जो एक वीडियो रह चुकी है, दो अपन ने डाल दी है, तो उसको अपन जल्दी से डालेंगे इस ब्लॉग के बाद। मेरे को क्या है ना यार, मेरे को यह ब्लॉग बनाता रहूं डालता रहूं तो जितना सही है, क्योंकि अपन के वॉच आवर अभी कंप्लीट हुए नहीं है, मोनेटाइज हुआ नहीं है चैनल, धीरे धीरे हो रहा है बहुत ज़्यादा, तो इसलिए अपन वीडियो बना रहेंगे अब जल्दी से। कोशिश करूँगा अच्छा ही बनाऊँ यार, कोशिश तो हमेशा ही रहती है। वैसे तो मैंने भाई ये दोनों व्लॉग जो भी एडिट किए हैं ये फ़ोन से एडिट करे हैं, तो इसमें टाइम भी मेरे को काफ़ी लग गया बनाने में। अरे यहाँ कैसे ट्रैफिक लग गया है रे। ले लिया भाई, ले लिया पक्का पक्का। नाम चैनल दीवान साहब, दीवान साहब, दीवान साहब, ये बताना दीवान साहब। ठीक है, अरे मिट्टी हो रही है यहाँ तो। भाई यहाँ से लेफ्ट ही ले लेता हूँ, क्योंकि जैसा ही मेरे को ट्रैफिक लग रहा है ना, लेफ्ट ही लेके चलते हैं आज। तो भाई को बाइक पसंद आ गई हमारी, उसने बोला कैमरा ऑन करो, मैंने कर लिया, फिर कह रहा है कि भाई वीडियो में डाल देना। भाई डाल देंगे भाई, अगर आप देख रहे हो तो। पर भाई सारी वीडियोज़ देखना, देखो और कमेंट भी करना, बढ़िया लगे तो, नहीं लगे तो कोई नहीं भाई, समझ जाएंगे अच्छी नहीं है। जब मैं मोड़ता हूँ इशू की फट जाती है भाई। अच्छा डोमिनार के बारे में लोगों को पता नहीं है अभी कि ये भी एक बाइक है धरती पे बजाज की। इसके यार कलर एक तो इसका बहुत प्यारा है, उस कलर के वैसे भी लोग इसको नोटिस करते हैं। रोक ले भाई। भूख तो नहीं लग रही है, वैसे भी कम ही खाऊं। लेग्स वाले दिन भाई कम ही खाओ तो ज़्यादा बढ़िया है, फिर लेग्स वाले दिन ज़्यादा खा पी के पहुंच जाते हैं तो भाई उल्टी जैसा लगने लग जाता है। कम खाओगे एक पल को चलेगा, ज़्यादा खाते ही भैंस की आँख सीन ख़राब। जैसे जैसे भाई दिन कम कह रहा हूँ, ऐसे ऐसे वीकेंड पास आता रहता है। मंडे सबसे ज़्यादा भीड़ होती है जिम में, फिर उससे कम। फ्राइडे सैटरडे तो भाई कोई आता ही नहीं जिम, पता नहीं भाई लोग कहाँ मस्ती मारते हैं। मैं 2 साल हो गए जिम जाते हुए, पर भाई कंसिस्टेंसी है ही नहीं भाई लोगों में। मुश्किल से मुश्किल भाई टोटल जिम में 3-4 बंदे होते होंगे जो रोज़ ही जिम आते होंगे, उसमें से एक सोनू भाई है। इस रोड पे यार बहुत गायें होती हैं तो आराम से चलानी पड़ती है भाई, क्योंकि वो कहीं से भी धप्पा कर देती हैं, और धप्पा हो गया तो हमारा बहुत तगड़ा धप्पा ही हो जाएगा फिर। और भाई मैंने ये बनारस वाले ब्लॉग में यार वॉइस ओवर करने का कोशिश करी, मतलब बहुत रिटेक लिया। एक तो मेरी आवाज़ थोड़ी अजीब सी है, मेरे को लगता है इन सब चीज़ के लिए बनी नहीं है, पर फिर भी मैंने कोशिश करी कि कुछ तो कर सकूं, बोल सकूं, थोड़ा एक्सप्लेन कर सकूं। तो भाई कोशिश थी, अगर बेकार लगी हो तो माफ़ कर देना, कोशिश अच्छी लगी हो तो ठीक है, इम्प्रूव करूंगा जितना कर सकता हूं भाई। चलो भाई अब चलते हैं। अब
ख़त्म कर दिया। आज हमारी पूरी फौज आ गई थी जिम में, तो बस सब बैठे हैं बाहर, अब देखते हैं क्या प्लान है। हो गई भाई पिकनिक। कौन कौन सी एक्सरसाइज करी है भाई? आज मैंने ट्रेडमिल करी है गाइस। अच्छा। और मैंने क्या कहते हैं लेग एक्सटेंशन किए हैं, और मैंने मजाक किया है, मैंने शोल्डर्स किए हैं बस, और बाकी मैंने थोड़ी सी बकचोदिया करी है। ये डाल दी है भाई, जब से जिम में है सबसे इस तरह नहीं पा रहे हैं। अरे भाई तो अब सब बात कर रहे हैं भाई, सब चाह रहे हैं। चाह रहे हैं मतलब सब चाह रहे हैं कि बात करें भाई, इतने दिन हो गए कहाँ थे, इतने दिन से भाई जो जो वीडियो देख रहा है, जो जो इनको चाह रहा है, मैं इनका कमरा बता देता हूँ, वहाँ जाके बात करें, वहाँ जाके इनका चाना निकालें। यार क्या दिक्कत है, सब ठीक है, एक दिन सब ठीक हो जाएगा। रोने लगे भाई ज़्यादा, वो कर दिया हमने। क्या हो गया भाई? अरे कुछ नहीं। अरे कोई बात नहीं, जुराब बढ़िया है। अरे जुराब के लिए थोड़ी ना बोल, कुछ नहीं कहेगा घर में। मैं ये मेरे जुराब पहन लेना, मैं आपके पहन लूंगा, कोई दिक्कत नहीं। जुराब चले सही नहीं है घर, चलो वो आज थोड़ी बोल रहा है, आज नहीं पढ़ना ना यार, क्या दिक्कत हो गई, टाइम नहीं है ब्रो। अरे भैंस की आंख, एक दिन नहीं पढ़ोगे तो कौन सा कुछ चला जाएगा भाई, डिसिप्लिन हट जाएगा ना भाई। कौन सा वाला डिसिप्लिन? पढ़ने का टारगेट बना रखा है। जब पिक्चर और मूवी देखने के लिए पढ़ते नहीं हो तब जो मूड खराब होता है, तो आज मूड खराब कर लो, सोच लो। अरे सोचो क्या, मूड खराब हो गया है आज, ज्यादा सो गया ना आज, डेढ़ घंटे आज सो गया। वैसे दुखी है। किस लिए? सो गया ज्यादा। नहीं सोया नहीं, सो गया रात दोपहर में। अरे यार सो गया कैसे? तो भाई एक एक की कमी रह गई, अब तानिया इन्होंने पूरी कर दी। अगर ये भी हमारे ग्रुप में जुड़ गए तो हमें वो टेम्पो लेना पड़ेगा जो पीछे से खाली होता है ना सामान भरने के लिए, वहाँ बैठ के जाना पड़ेगा फिर भाई। एक्चुअली हम जा रहे हैं अभी भैया के घर, भैया ने हमें इनवाइट किया है डिनर पर, बातों बातों में, कोई प्लान नहीं था, जिम आने से पहले ही बन गया था बस। कहाँ रह गए? पावर होती है तो भाई भगाने का मन करता ही करता है भाई। तो हम ना नए रास्ते से जा रहे हैं क्योंकि भैया का जो अंदर किशनगढ़ वाला रोड है
वो तोड़ के बन रहा है अभी, तो इस चक्कर में हम अंदर से जा रहे हैं। डिफिकल्ट है सही में ये डोमिनार की। खैर यूट्यूबर है भाई पीछे। हाँ यार मेरे वायरल करोगे, जिंदगी साल वायरल होगी है। और पैसे में तो दो भाई यार वायरल होने के। भाई फुल तैयारी चल रही है भाई। This is so expensive bro. You can smell it. No, everyone. जल्दी अपने साथ। तेरा चैनल आराम से वायरल हो जाएगा। भाई ये नए बंदे हैं जो हमारे ग्रुप में कोशिश कर रहे हैं अभी ऐड होने की। कोशिश नहीं कर रहा, जबरदस्ती ऐड। जबरदस्ती नहीं कर रहे भाई। पब्लिक जानना चाह रही है क्या कर रहे हो आप। ये एक्चुअली हर्बल नमक पीसा जा रहा है विच इज वेरी गुड फॉर हेल्थ। एंड इससे इसके बेनिफिट्स ये हैं कि इससे आपको जुकाम खांसी वगैरह इजीली नहीं होता है। ये आपका इम्यून सिस्टम को बूस्ट करता है। दिस इज ओनली एट शुक्ला पैलेस। तो भाई अपन घर आ गए हैं। भैया के स्पेशल कुक बिठाया हुआ है आज हमारे लिए, खाना बना रहे हैं अच्छा सा। अब मैं भाई इनका रिव्यू देंगे सारे कैसे बना। क्या बना कह रहे हो? चटनी मैं इतनी तारीफ कर दी, चटनी बना रहे हो? भाई चटनी कौन सी नाम पूछेगा? कौन सी चटनी है? नमक है, पहाड़ी नमक। नमक बाहर से लिया नमक तुम? बहुत अलग तरीके से बनता है। तो नमक किसके साथ खाएंगे? भाई रुक जा रहा, कर रहे थे जो काम कर रहे हो। कन्नू का कॉल सच में कुछ काम खबर नहीं है। भैंस की इमरजेंसी कुछ नहीं है। अरे यार तुम अभी आदि पुरुषों को नहीं जान पाओगे। चटनी नहीं, देवदास पे देवदास जो हवाई चलती है, हवाई चलती है, हवाई हवा 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 चलती है, चलती है ना, चलती थोड़ी है। जब तुम बोलते चल उड़ती है, चल तभी चलती है। दो मीटर फ्लो चलती है जब नदियां बहती। ये तो पंखा आर्टिफिशियल है, हवा तो दे ही रही है। नेचुरल चीजों की बात कर रहा हूँ। कि तेरी यादों की सुनहरी धूप एक जश्न है मेरी जिंदगी का। गीली रेत पे लिख के अपने निधा लिखती जाती है कोई गीत खुशी का। तेरे साथ बिताया हर लम्हा धड़कन में एक सांस छेड़ जाता है। और आज भी जब दस्तक देती हैं तेरी यादें तेरा अक्स नगमों में बदल जाता है। अक्स क्या होता है? मैं नहीं जानता कि ये यादें ना होती तो क्या होता। ना कोई खुशनुमा सरगम का फलसफा होता, ना कोई जिंदगी जीने का मायना होता। ये यादें एक जश्न है मेरी जिंदगी का, लिखती जाती है कोई गीत खुशी का। कभी कोई कलाकार बीच में बोले उसके बीच में इंटरफेयर नहीं करते। अरे मैं अभी फ्लो में अभी ज्यादा ठीक है। आपको तमीज नहीं बात करने की, मगर तुझे तमीज है, मगर तुझे पता तू कहाँ पे है। मगर लोग यहाँ के लिए कितनी तपस्या करते हैं, लोग सपने होते हैं आने के लिए, तब भी नहीं आ पाएंगे। नसीब अच्छा तू यहाँ नाच रही है। इकट्ठे होने में लोगों को देने लगती है, मगर अभी तेरी पीपड़ी बजा रहे हैं। नेक्स्ट लेवल भाई। अरे रात में कंटेंट क्रिएटर वो आ रहे हैं, वो नहा रहे हैं सुबह सुबह 4 बजे उठ के, ठीक है, पूरा अपना ढंग से कपड़े पहन रहे, साड़ी वाड़ी जो भी पहन रहे हैं, श्रद्धा से दर्शन कर रहे हैं, उसके बाद प्रॉपर दिखा रहे हैं मंदिर को, ऊपर से बता रहे हैं उसकी हिस्ट्री, बता रहे हैं क्या इसके पीछे
एक वो होता है, एक वो आगे नाच रही है, चल मैंने भी मैं चम्मक चल लो क्या है भाई मिनी स्कर्ट पहन के घूम रहे हैं। अच्छी बात, हाँ बहुत गंदा गंदा वो कर भाई, और ये केदारनाथ की बात जो वहाँ जाके बकचोदियाँ करते हैं। अरे फिर भी अरे भाई एक नई प्राइवेसी अब स्टार्टअप का मतलब मुझे अब समझ आया। ओ माय गॉड, चारों तरफ पता नहीं रहता है भाई। अगर भाई अगर आप हमारे ग्रुप के साथ जुड़ोगे तो आपको भाई सब ये ऐसे झेलना पड़ेगा। मेरे को समझ में आया शाहरुख खान, ब्रदर आई कैन फील योर पेन। आपकी पर्सनल लाइफ में आप गोलगप्पे नहीं खा सकते रोड पे जाके। ओ माय गॉड दिस इज सो, वो डांस एक बार और कर दो यार। अरे यार अभी हो गया जो हो गया। अरे यार वो लड़की देख लेगी तो बुरा बात है। गाना ऐसी कुछ था यार, वो उसका डांस करते करते वो गाना डांस करते करते। अरे तो गाना तो बाद में एडिट करते ना, पहले मुझे क्या पता। चम्मच चलो तो मैं अपनी साइड से ऐड कर रहा हूं ना, बने मैं चम्मच किससे ऐसे होने चाहिए। एक बंदा बताने वाला भाई, वो बहुत तरीके से बताता है बात ये। तो भाई दोस्तों अपन निकल पड़े हैं भैया के घर से, थोड़ा लेट तो यार हो ही जाता है, बाकी ये चीजें घर वाले तो समझते नहीं। प्रभु हे हरि नाम कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंद, ये क्या हुआ। यहाँ लेट तो थोड़ा हो ही जाता है, बाकी है भाई घर चलते हैं। इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। अब मैं देखता हूँ कि नेक्स्ट वीडियो ये डालूंगा, उसके बाद में डालूंगा बनारस का तीसरा व्लॉग, तो पहले इसको अपन कल परसों तक डाल के ख़त्म करते हैं। तो चलो भाई मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखो सब।